हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। सो दोस्तों, काफ़ी स्टूडेंट्स ने एक कमेंट करके पूछ रखा है कि सर ये फ्री एग्जिट क्या होता है, व्हाट इज़ द मीन ऑफ फ्री एग्जिट। सो गाइस, इन दिस वीडियो आई विल गोइंग टू टेल यू व्हाट इज़ द मीन ऑफ फ्री एग्जिट, क्योंकि इस टर्म को जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नीट की काउंसलिंग है, अदरवाइज आप अपना सिक्योरिटी मनी लूज़ कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, जो जनरल के लिए सिक्योरिटी मनी 10,000 है और जो OBC SC ST और PH कैटेगरी के लिए जो 5,000 है, उसके लिए इस टर्म को जानना दोस्तों बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है जो आप काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन के बाद जमा कराने वाले हो, वो आपको पता है कि जनरल में 10,000 और OBC में जो 5,000 है वो बहुत ज़रूरी है कि आपका पैसा आपको मिले। तो उसके लिए जो टर्म जो यूज़ की जा रही है बार बार नीट की काउंसलिंग में, वो फ्री एग्जिट, और वो किसी प्रकार से होता है मैं आपको इस पूरे वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ फ्रेंड। तो चलते हैं दोस्तों, आपको समझाता हूँ कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्री एग्जिट इन नीट 2020 काउंसलिंग। सो जो मैं आपको इसमें वीडियो में पूरा बताने वाला हूँ। सो दस जैसे कि दोस्तों आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, फ्री एग्जिट का मतलब जो इफ़ ए कैंडिडेट इज अलॉटेड ए सीट इन द राउंड वन ऑफ द नीट 2020 काउंसलिंग बट फेल्स टू रिप्यूट द इंस्टीट्यूट विद इन द डेजिग्नेटेड ड्यूरेशन, दे शैल नॉट बी पेनलाइज्ड फॉर इट। द कैंडिडेट विल बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग, दिस इज कॉल्ड फ्री एग्जिट। सो इन सिंपल टर्म्स, इन लेमन टर्म्स आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू क्या होता है, तो मैं आपको बताता हूँ। सपोज आप राउंड वन की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हो और आपको कोई कॉलेज अलोकेट हो जाता है और आप उस कॉलेज को ज्वाइन नहीं करते हो, तो आप सेकेंड, मतलब आपको जैसे आपने कोई कॉलेज अलोकेट हुआ और आपने क्या किया, उसको ज्वाइन नहीं किया, उसके बाद आप जो राउंड टू काउंसलिंग है उसमें भी आप एलिजिबल रहोगे। तो इस केस में क्या होगा कि आपकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है, क्योंकि आपको कॉलेज एलोकेट हो गया, और लॉजिकल होना क्या चाहिए कि अगर आपको कॉलेज एलोकेट हुआ है तो आप कॉलेज जाके ज्वाइन करो। बट जो राउंड वन है उसमें नीट बोलता है कि अगर आपको राउंड वन में कॉलेज एलोकेट हुआ और आपका मन बदल गया कि नहीं नहीं मैं तो राउंड टू की काउंसलिंग में जाऊँगा या मैं स्टेट कोटा की काउंसलिंग में जाना चाहता हूँ, तो जो राउंड वन की काउंसलिंग है उसमें आप कुछ कॉलेज में नहीं, अगर आप नहीं जाते हो, मतलब जो 5 से 7 दिन का टाइम दिया होता है, जो राउंड वन का रिजल्ट आएगा उसके बाद 5 से 7 दिन का टाइम देते हैं कि आप जाओ और कॉलेज ज्वाइन करो, तो आप अगर कॉलेज ज्वाइन नहीं करते हो, आप वहाँ जाते नहीं हो, कॉलेज को इन्फॉर्म नहीं करते हो, कुछ भी नहीं करते हो, तो आप डायरेक्टली राउंड टू की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। इसमें आप अपना सिक्योरिटी मनी लूज़ नहीं करेंगे। तो सपोज अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, आपने 10,000 रुपये जमा कराया है और आपने राउंड वन में अगर आपको कोई कॉलेज अलोकेट हुआ है तो आपने कोई उस कॉलेज को ज्वाइन नहीं किया और आप सीधा राउंड टू की काउंसलिंग के लिए चले गए, तो आपका जो सिक्योरिटी मनी है वो लूज़ नहीं होगा राउंड वन के लिए। बट गाइस, अगर इसी टर्म को बोलते हैं दोस्तों फ्री एग्जिट, मतलब आपको फ्री में एग्जिट करने की परमिशन देता है राउंड वन की, आप बिना कॉलेज ज्वाइन किए हुए सीधा राउंड टू में जा सकते हो। तो सबको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्री एग्जिट। फ्री एग्जिट मीन्स राउंड वन की काउंसलिंग में अगर आपको कॉलेज एलोकेट हो भी गया तो आपके मन के ऊपर है, अगर आप जाना चाहो तो ठीक है, नहीं जाना चाहो तो ठीक है, आपकी सिक्योरिटी मनी आपकी कहीं नहीं गई, वो आपको मिल जाएगी अगर आप कुछ भी ज्वाइन नहीं करते हैं तो ठीक है दोस्तों। तो ये है राउंड वन। बट इन केस अगर आप राउंड टू में भी पार्टिसिपेट करते हैं और राउंड टू में आपको कोई कॉलेज अलोकेट हो गया, फिर अगर आपने राउंड टू में कॉलेज ज्वाइन नहीं किया तो आपकी सिक्योरिटी मनी चली जाएगी। तो सिंपल टर्म्स में समझा दिया, फ्री एग्जिट राउंड वन में एप्लीकेबल होता है। उसमें होता क्या है कि अगर आपने राउंड वन में पार्टिसिपेट किया है और आपको कोई कॉलेज अलोकेट हो गया है, बट आपने किसी रीज़न की वजह से कॉलेज सही नहीं है, आपकी चॉइस के हिसाब से नहीं है, यू वांट टू गो फॉर राउंड टू काउंसलिंग, इन दैट केस आप डायरेक्ट राउंड टू की काउंसलिंग के लिए जा सकते हो, आपका सिक्योरिटी मनी कहीं नहीं गया, वो आपका सेफ है, वो आपको मिल जाएगा। एंड अगर आप राउंड टू की काउंसलिंग में भी आपने पार्टिसिपेट कर लिया, फिर आपको कोई कॉलेज अलोकेट हुआ, फिर भी आप नहीं गए, तो उस केस में आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो जो नीट की काउंसलिंग में फ्री एग्जिट है वो राउंड वन की काउंसलिंग के बाद मिलता है। तो दोस्तों ये था फ्री एग्जिट, जो मैंने आपको अच्छे टर्म्स में समझाया। फिर भी कोई डाउट आप कमेंट करना, आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज़ द डिफिकल्ट एरिया फॉर यू, कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा, आपको काउंसलिंग में कोई दिक्कत होती है, जस्ट कमेंट ऑन एनी ऑफ माई वीडियो, आई विल रिप्लाई ऑन योर कमेंट्स। थैंक यू दोस्तों।